दी का कमरा तैयार हो गया? हाँ महक, मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही किया ना? हाँ बाबा, पूरे कमरे में सॉफ्ट टॉयज और बच्चों के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं ताकि दी उन्हें देखकर अपने सारे दुख भूल जाए और मुस्कुराती रहे। दी तो मुस्कुराएंगी ही, क्योंकि भगवान ने उन्हें हर मुश्किल हालात में मुस्कुराने की ताकत जो दी है। लेकिन मुस्कुराने से दर्द थोड़ी कम होता है। महक, ऐसी डिप्रेसिंग बातें मत करो, और कम से कम दी के सामने तो नहीं। ऐसी हालत में अगर दी दुखी रहेंगी तो उनके बेबी की सेहत पर असर पड़ सकता है। और इसलिए हमें दी के सामने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे उन्हें पियो शिजू की याद आए। तुम दोनों ठीक कहती हो। दी ने हमारी हर मुश्किल घड़ी में हमारा हौसला बढ़ाया है, और आज वो कमजोर हो गई हैं। आज हमें दी की ताकत बनकर उनका हौसला बढ़ाना है। जी बाबा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी, मुझे वसु जी का रवैया कुछ ठीक नहीं लगा। क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो तुमसे इस तरह पेश क्यों आई जैसे उनके दिल में तुम्हारे लिए कड़वाहट हो? पापा, वो कड़वाहट नहीं, दर्द है, एक माँ का दर्द। उन्होंने अपना बेटा खोया है पापा, और अक्सर दर्द इंसान को कड़वा बना देता है। तुम्हारा दर्द भी उनसे कम नहीं है कशिश, और फिर दर्द तो गैरों को भी करीब ला देता है। वसु जी तो तुम्हारी सास है। अब गलत समझ रहे पापा, मामा के दिल में मेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं है। तुम कहती हो तो मान लेता हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें इसी घर में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। पापा, मैं जानती हूं कि ये घर, ये परिवार मेरा अपना है, लेकिन पापा, वो घर, वो परिवार भी तो मेरा अपना है। पापा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। पापा, मैं पीयूष की यादों के सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार लूं। कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं है। मतलब? मतलब साफ है ऋषि, तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तुम मुझे नहीं बताते, तो ये चीज मुझसे एक्सपेक्ट मत किया करो। What are you saying? मैंने तुमसे क्या छुपाया? हाँ मौली? प्लीज ऋषि, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ तुम इनॉग्रेशन पार्टी पे क्यों नहीं आए थे। क्यों नहीं आया था? क्योंकि तुम उस दिन राखी के साथ थे। राइट? तुमसे किसने कहा? मुझे राखी की बहन निहारिका ने तुम्हारी फोटो दिखाई, ये देखो।
ये अजीब सी इत्तेफाक है, लेकिन हाँ, राखी के बॉयफ्रेंड का नाम भी ऋषि है। यू नो, निहारिका को जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, उसी ने तो हम दोनों का ये फोटो खींचा है। मौली, मैंने राखी को प्रॉमिस किया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मनाने के लिए मुझे ये प्रॉमिस तोड़ना पड़ रहा है। कैसा प्रॉमिस? जब मैं इनॉग्रेशन पार्टी के लिए आ रहा था, तब मुझे राखी मिली। वो बहुत परेशान थी, उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं गई। मैंने उन दोनों को समझाया, उन दोनों का पैचअप करवा दिया। मैंने सोचा कि इनॉग्रेशन फंक्शन अटेंड करने से ज्यादा जरूरी है दो प्यार करने वालों को मिलाना। मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझ पर शक करोगी। मैंने ठीक किया ना मौली? पता नहीं, मैंने पूरी दुनिया से बगावत करके तुमसे प्यार किया है। तुम पर यकीन तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही पड़ेगा स्वीटहार्ट, बिकॉज आई एम टू गुड। मुझे कशिश से मिलना है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना, आप बैठिए, मैं दी को बुला कर लाती हूँ। देखा सूजा, तुम्हारे प्यार के खातिर मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। आज मैं उसी शख्स से मिलने आई हूँ जो हमारे प्यार की राह में सबसे बड़ा कांटा है। क्या करें, कभी कभी कांटे को जड़ से उखाड़ फेंकने से पहले गहराई नापने के लिए इंतजार करना पड़ता है। कैसी हो कशिश? तुम्हारे ससुराल में तुमसे ठीक से बात नहीं हो पाई, इसलिए यहां मिलने चली आई। थैंक्स। थैंक्स। थैंक्स की क्या बात है कशिश, ये तो मेरा फर्ज है। अगर तुम सूजल की अच्छी दोस्त हुई तो मेरी भी दोस्त हुई ना। कशिश, पीयूष बहुत अच्छा इंसान था, मैं समझ सकती हूं उसके बगैर जीना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन तुम हिम्मत से काम लेना। कम से कम तुम्हारे पास पीयूष की निशानी तो है, उसके सहारे तुम्हारी पूरी जिंदगी कट जाएगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कहना, आखिर मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। सिवाय सूचन के। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना कशिश। ये यहाँ क्यों आई थी?
सुजल भैया। क्या बात है मौली, ऋषि के साथ झगड़ा हुआ? भैया कहीं मैंने ऋषि का साथ देकर गलती तो नहीं की? क्या किया ऋषि ने? कुछ नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है भैया ऋषि उन लोगों में से नहीं है जिनके लिए एक रिश्ता जिंदगी भर का साथ, जिंदगी भर का कमिटमेंट होता है। उसने मुझसे कई बार झूठ बोला और मैंने उसको माफ भी कर दिया। मुझे लगता था भैया कि मेरा प्यार उसे बदल देगा, लेकिन अब लगता है कि मैं कितनी गलत थी। मेरा यकीन, मेरा विश्वास कितना गलत था भैया। नहीं मौली, ऐसा नहीं कहते। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ऋषि गलत है, मैं उससे बात करूंगा। तुम सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा करियर, सिर्फ तुम्हारा करियर तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देगा। ओके? ऑलराइट? वाह सुजल, दूसरों को सीख देना कितना आसान होता है ना, लेकिन जब खुद की बारी आती है तब इंसान सब कुछ भूल जाता है। इन बातों का क्या मतलब है आरजी? ऋषि ने मौली के विश्वास को ठेस पहुंचाई, उसका यकीन तोड़ा, गलत। लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, तुमने मुझसे मंगनी की लेकिन शादी के लिए कशिश को प्रपोज किया, सही? सुजल मुझे कभी कभी लगता है कि तुम कशिश को प्रपोज करने के लिए बस पीयूष की मौत का इंतजार कर रहे थे। आरती, तरस आता है मुझे तुम्हारी सोच पर। तुम्हारी सोच इतनी छोटी है आरजी कि अगर मैं तुम्हें कुछ समझाना भी चाहूं तब भी तुम नहीं समझोगी, कभी नहीं। मैं जानती थी सुजल कि मैंने अभी अभी जो कुछ भी कहा तुम उस पर यकीन करोगे, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है सुजल। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, बहुत प्यार, और इसी प्यार की खातिर मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देना चाहती हूं। सुजल मुझे तुम्हारे फैसले से कोई एतराज नहीं है। आरजी? हाँ सुजल। I'm sorry आरजी, मुझसे गलती हो गई। गलती से ही सही, लेकिन तुमने मुझे अपना तो समझा। मेरे लिए ये थप्पड़ तुम्हारी नफरत की नहीं, तुम्हारे अपनेपन की मोहर है। तो क्या हुआ अगर हम जीवन साथी नहीं, कम से कम हम दोस्त तो हैं, अच्छे दोस्त, और हम दोस्त हमेशा रहेंगे। फ्रेंड्स, तुमने तो साथ छोड़ने के लिए मेरा हाथ थामा है सुजा, लेकिन मैं ना तो ये हाथ छूटने दूंगी और ना ही साथ। कशिश के बगैर घर कितना सुना सुना लगता है ना। वाकई कशिश के साथ एक साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। कितना ध्यान रखती थी हम सबका, बिल्कुल बेटी की तरह। एक बात कहूं ललित यार, तुझे उसे मैके भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें कैसे बताऊं, उसे भेजना बहुत जरूरी था, वरना वसुंधरा। क्या हुआ, तू कुछ बोल नहीं रहा? उसने उसे थोड़े चेंज की जरूरत थी, यहां अकेली रहती वो भी पीयूष के बगैर, इसलिए उसका जाना जरूरी था।
अच्छा हुआ अपने आप ही चली गई, वरना जलील होकर जाना पड़ता। वैसे एक हिसाब से ठीक ही है, अपनी बहनों के पास रहेगी, पापा के साथ रहेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। पापा, पापा मैं भाभी से मिलने जा रहा हूँ, कुछ कहना है? नहीं बेटा, बस उसे कहना कि अपना ध्यान रखे और हम सब उसकी फिक्र करते हैं। और हाँ बेटा, उससे ये भी कहना हम उसे बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त उसे मिस भी करते हैं। जी बाय बेटा। पता नहीं कशिश ने इस घर के लोगों पर क्या जादू कर दिया है, हर किसी को उसी की फिक्र है, लेकिन मैं जल्दी ही उसका असली रूप सबके सामने ले आऊंगी, तब पता चलेगा सबको। दी जूस पियो, तुम भी पी लो। आप पियो, मैं लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं भी नहीं पीऊंगी। बस अब पियो। भाभी, कैसी हैं भाभी? ठीक हूँ वरुण, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक, आपको बहुत मिस करते हैं। मैं भी उनको बहुत मिस कर रही हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं वरुण के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मैं क्या हुआ? मैं क्या हुआ? हल्का सा दर्द हुआ। मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखो, उठते बैठते जल्दबाजी मत क्या करो, कुछ हो जाता तो तुम बिल्कुल नहीं सुनती। तुमने अपनी दवाइयां ली? भाभी मैं चलता हूं, फिर आऊंगा, अपना ख्याल रखो। दी मैं अभी आई। अक्सर पत्नियों की शिकायत होती है कि उनके पति उनका ख्याल नहीं रखते, और एक मैं हूं कि यहां पर तुम्हारी सेवा में ये दूध का ग्लास लिए बैठा हूं, और तुम हो कि तुम्हारा सारा का सारा ध्यान काम में। पहली बात तो ये कि दूध का ग्लास आपके लिए, और दूसरी बात ये कि मेरी आदतों को यूं मत खराब कीजिए। भाई वो तो मैं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी आदतें खराब करना, और जब मैं यहां हूं तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखना। ये बात अलग है, जब मैं तुम्हारे पास नहीं होगा तब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। दी प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।